फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 + 2√5 ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर है? तो जब भी कभी √5 कहीं पर भी दिख जाएगा ना, तो इरेशनल नंबर है अपने आप, ठीक है? क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री है, द रूट ऑफ ax² + bx + c = 0 विल बी रेसिप्रोकल। मतलब जो रूट्स इसके होंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है मालूम है? एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/α, इस तरह से। अल्फा की जगह कुछ भी ले लो तुम, xyz कुछ भी ले लो, इसके लिए परेशान ना हो। तो अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो क्या होगा? तो हम जानते हैं दो फार्मूला, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के लिए फार्मूला क्या होता था? सम ऑफ रूट के लिए होता था -b/a, ठीक। तो रूट तो हमने माना है, ये लेट कर लिया है रूट, क्योंकि अल्फा और 1/α क्योंकि रेसिप्रोकल दिया था। तो सम ऑफ ये रूट्स यानी 1α + 1/α = -b/a। और एक और होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में यानी α × 1/α वो होता था c/a। अगर हम यहाँ पर अल्फा से अल्फा काट देंगे तो 1 = c/a, ए उधर जाएगा मल्टीप्लाई से, जो है डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो a = c। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल के लिए c और a को बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, फिर से एक बार क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ़। तो रेसिप्रोकल अगर होगा तो एक को अल्फा मान लो तो दूसरा 1/α, और हम जानते हैं दो फॉर्मूला होता है, एक सम ऑफ और एक प्रोडक्ट ऑफ। तो प्रोडक्ट वाले के लिए बात करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट से कट जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, तो c/a करेंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 1 = c/a, तो a = c हो जाएगा। तो अगर किसी इक्वेशन के रेसिप्रोकल होंगे रूट्स, मतलब आंसर जो होंगे रेसिप्रोकल होंगे, तो a और c को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इनकंसिस्टेंट। तो देखो x + 2y = 3 और दूसरा है 5x + ky + 7 = 0। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो इनकंसिस्टेंट मतलब कि अब हमको जब भी इक्वेशन दिया होता था तो याद करो हम लोग एक लिखते थे फॉर्मूला a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो इनकंसिस्टेंट के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए और b1/c2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। कुल मिला के जब इस तरह से होता है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, कभी आपस में नहीं मिलेंगी। और नहीं मिलेंगी तो a1/a2, अब इसका a1 क्या है बताओ? इसमें जहाँ पर a1 हमको दिख रहा है वहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी 1, a1 हो गया 1, ठीक, और b1 हो गया 2 और c1 हो गया -3, क्योंकि इसको जो इक्वल टू किधर है ना, इसको हम इक्वल टू किधर ले लेंगे तो -3 = 0 हो जाएगा। इसी तरह a2 हो गया 5, b2 हो गया k और c2 हो गया 7। तो हमने क्या कहा कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, यानी 1/5, a1/a2 की जगह 1/5 रख दिया, = b1/b2 यानी 2/k। यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, k 1 के पास जाएगा तो हो जाएगा k 1 जा k, और 5 इसके पास जाएगा तो 5 × 2 = 10, यानी k = 10। तो फॉर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट किसके लिए होगा? k जब 10 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। आई बात समझ में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ x = 1 इज़ अ कॉमन रूट फॉर, ये दोनों के लिए कॉमन रूट है, एक ax² + ax + 2 = 0 के लिए एंड x² + x + b = 0 दोनों के लिए कॉमन रूट है, ठीक। तो ए बी की वैल्यू पूछा है, तो ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या, तो लिखेंगे सिंस x = 1 देयर फॉर a 1 का स्क्वायर
प्लस ए वन प्लस टू इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है, मतलब हमने इस इक्वेशन में एक जगह क्या रख दिया, वन। तो कितना हो गया ए प्लस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, तो ए से वन मल्टीप्लाई करके वही हो गया, और फिर ए बन जा ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो टू ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो टू ए इक्वल टू माइनस टू। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू कट गया, तो ए इज इक्वल टू हो गया वन माइनस का, ठीक है ना। दूसरा हमको मालूम है कि चूंकि इसके लिए भी x इक्वल टू वन है, तो लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर क्या, इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे माइनस प्लस वन का स्क्वायर प्लस फिर वन प्लस बी इक्वल टू जीरो, वन का स्क्वायर वन प्लस बी इक्वल टू जीरो, टू प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू माइनस टू। अब हमने देखा b इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस टू है, और वहाँ पर a इक्वल टू है जो है माइनस वन, ठीक है, दिख रहा है ना, बोलो दिख रहा है। हमको क्या पूछा था, ए बी, ए इंटू बी, बेसिकली इसका मतलब है इंटू, तो ए की जगह माइनस वन, बी की जगह माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू वन या टू, तो आंसर आ गया टू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम माइनस फोर कॉमा वन एंड टू कॉमा थ्री। मतलब पहले तो हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे प्लॉट कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने प्लॉट कर लिया ये, ठीक। अब यहाँ पर क्या हमें करना है कि माइनस फोर कॉमा वन कहाँ पर जाएगा, तो माइनस फोर कॉमा वन यहाँ पर कहीं होगा, माइनस फोर कॉमा वन, टू कॉमा थ्री एक्स पे टू वाई पे थ्री यहाँ कहीं होगा, टू कॉमा थ्री यहाँ पर कहीं होगा। अब कह रहा है कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है माइनस फोर कॉमा वन से और टू कॉमा थ्री, तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, वाई एक्सिस पे कभी भी कोई पॉइंट मानना होता है तो आगे वाली वैल्यू जीरो पीछे वाली वैल्यू को मानते हैं, तो मान लेते हैं वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जीरो कॉमा बी, तो ये इससे भी जितनी दूरी पर है उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अगर ये दूरी है तो ये मिड पॉइंट होगा, हालांकि मिड पॉइंट की वैल्यू नहीं भी समझ में आ रहा है क्योंकि लीनियर तो बात नहीं करेंगे, है ना। हेलो समझ में आ रहा है, यस सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट ना लेके इनके बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। और मिड पॉइंट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे हो, ठीक है, तो इसलिए मिड पॉइंट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे इस पॉइंट को लेते हैं ए, इस पॉइंट को लिख लेते हैं बी, और इस पॉइंट को लिख लेते हैं मान लो ओ। तो एक बार लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो ये एक्स वन वाई वन कर लो, ये एक्स टू वाई टू कर लो, तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी जीरो माइनस माइनस का फोर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, जब ओ ए की वैल्यू करेंगे, ओ ए की वैल्यू तो वाई एक्स टू क्या है जीरो, माइनस एक्स वन क्या है माइनस फोर, तो माइनस फोर यहाँ पर जब माइनस एक और बार लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू है बी माइनस वाई वन है ए, वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओ बी करेंगे तो ओ बी सिर्फ फिर से इन दोनों के लिए, इसको एक्स टू वाई टू मान लिया है तो इसको एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, तो फिर से हम करेंगे अंडर रूट, ठीक है ना, फिर x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर, प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यानी b माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये रूट और ये रूट कट जाएगा जब भी दोनों तरफ रूट होता है पूरे में, बचेगा यहाँ फोर का स्क्वायर प्लस b माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस टू का स्क्वायर प्लस b माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, खोलेंगे तो फोर फोर जा सिक्सटीन, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, समझ में आ रहा है,
फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला, और यहाँ पर भी माइनस टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो सिक्स बी। कैसे? ए स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, फिर थ्री थ्री जा नाइन, फिर टू ए बी यानी टू इंटू बी इंटू थ्री करेंगे, थ्री टू जा सिक्स बी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अब यहाँ पर लिखेंगे सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू बी, और सब कुछ को इधर ले लेते हैं, तो ये फोर जो था माइनस का फोर हो गया, बी तो जा माइनस का बी स्क्वायर हो गया, नाइन जो था माइनस का नाइन हो गया, और माइनस सिक्स बी प्लस का सिक्स बी हो गया, इज इक्वल टू में बचा जीरो। ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर कट गया, बचा यहाँ पर सिक्सटीन, ये सिक्सटीन और ये वन हो गया सेवनटीन, और सेवनटीन यहाँ पर सेवनटीन में से फोर गया, तो सेवनटीन में से फोर गया कितना बचा? थर्टीन, थर्टीन में से नाइन और चला गया, तो थर्टीन में से नाइन और चला गया कितना बचा? फोर। कितना बचा? फोर। समझ में आ रहा है? तो इन सब का काम खत्म हो गया ना, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 16 यहाँ पर हुआ 17 और 17 में से 4 गया तो 13 बचा, 13 में से 9 गया तो बचा 4। फिर बचा क्या क्या? माइनस का 2b प्लस का 6b, तो माइनस के 2b में से प्लस का 6b बचा, तो प्लस का 4b बचा। भाई माइनस का 2b प्लस का 6b करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो 4b, इक्वल टू में जीरो बचा। सबका काम हो गया, देखो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, इसका, इसका। अब यहाँ से प्लस का फोर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फोर बी इज इक्वल टू माइनस का फोर, तो बी इज इक्वल टू माइनस का फोर अपॉन फोर, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो आ गया माइनस वन, यानी पॉइंट जो आ गया वो आ गया जीरो कॉमा माइनस वन। ठीक है, तो पूछा था कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कितना होगा? माइनस वन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, और ये ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर है एक और ट्राइंगल के जिसका नाम है डी ई एफ, तो डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं, ठीक। सिमिलर का मतलब होता है रेशियो बराबर, पेरीमीटर इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इसका है 32, इसका पेरीमीटर जो है वो है 24, ए बी की वैल्यू है 10, ठीक। तो डी ई का वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम जानते हैं किसी भी देखो ट्राइंगल में रेशियो, अगर सिमिलर ट्राइंगल है ना, सिमिलर ट्राइंगल के लिए, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल के लिए रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड, इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है, मतलब जिस साइड का हम ले रहे हैं, एडजेसेंट साइड शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इसका अगर हम ले रहे हैं ए बी तो इसका डी ई ही लेना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में ले रहे हैं, तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर यानी 32 अपॉन 24 इज इक्वल टू साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका साइड है 10 तो दूसरे वाले का एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को इधर किया, x इज इक्वल टू 10 इंटू 24, ये x इधर गया था 32 के पास मल्टीप्लाई में, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 24 अपॉन 32, काटे पीटेंगे कितना हो जाएगा, 2 वन जा 2 टू जा 2 वन जा 2 सिक्स जा 2 सिक्स जा 12 2 एट जा 2 थ्री जा 2 फोर जा 2 टू जा 25 जा, तो x इक्वल टू बचा 5 इंटू 3 अपॉन 2, और 5 थ्री जा 15, और 15 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 सेवन जा 14, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 25 जा 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे काटा है, काटते हुए पूरा देखे ना, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो बताओ इस DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक,
और इस ट्राइंगल में हमको एक लाइन यहाँ पर पैरेलल दी है, ठीक। अब जैसे ही ये पैरेलल लाइन है, इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y, ये है c, ये है b, ये है a, और पैरेलल लाइन होता है ना तो अपने आप ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ पर वैल्यू है 1.5, यहाँ वैल्यू है 3, और पूछा क्या है, BC इज इक्वल टू 6 है, ये 6 है सेंटीमीटर, XY की वैल्यू पूछी है, XY यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर ये ट्राइंगल सिंस लिखेंगे ABC सिमिलर ट्राइंगल AXY, क्यों सिमिलर है मालूम है, क्योंकि लिखेंगे सिंस XY पैरेलल BC, अगर ये पैरेलल है तो सिमिलर हो गया, कौन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो सिमिलर होते ही हम कहेंगे ए एक्स अपॉन एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक अपॉन यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो साइड का रेशियो है बड़े वाले ट्राइंगल के साइड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए एक्स अपॉन एक्स वाई बराबर होगा किसके, ए बी अपॉन बी सी के। ए एक्स की वैल्यू है 3, एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता है, ए बी की वैल्यू है 3 प्लस 1.5, ए बी की वैल्यू तो पूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, और बी सी की वैल्यू है 6। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता करनी थी, तो एक्स वाई यहाँ पर आ गया और ये 3 1 हो गया 4.5, है ना, ये दोनों को ऐड कर दिया, और ये 6 इधर चला गया तो 6 × 3 हो गया, 6 × 3 = 18 इक्वल टू एक्स वाई और 4.5। तो 4.5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, 18 अपॉन 4.5 इक्वल टू एक्स वाई, पॉइंट हटाया, ज़ीरो बढ़ाया, 45 × 45 ऐसे कर लो, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, तो 4 cm इक्वल टू एक्स वाई। आई बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्किल, एक सर्किल ये है और इसी के अंदर एक और छोटा सा सर्किल बना देंगे, पहले देखो ये, इसी के अंदर ये एक और सर्किल है और दोनों सर्किल कंसेंट्रिक हैं, कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है दोनों के सेंटर एक ही हैं, ठीक है। तो ये एक सेंटर है, अब इसमें क्या कह रहा है कि एक जो ए बी कॉर्ड है वो दूसरे वाले के लिए टेंजेंट है, जो ए बी कॉर्ड है वो दूसरे वाले के लिए टेंजेंट है, इस तरह से, ठीक। साथ में एक और कॉर्ड है सी बी, ये भी दूसरे के लिए टेंजेंट है, ठीक। बना देते हैं पहले ये, ठीक है। तो यहाँ नाम है ए बी और ये है सी, ये जहाँ पर छू रहा है वो पी है, ये जहाँ पर छू रहा है वो क्यू है। साथ में बोला है कि रेडियस है 3 छोटे वाले की, छोटे वाले की 3, छोटे वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो ये रेडियस होगी ना, यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो ये रेडियस होगी ना 3, और बड़े वाले की रेडियस चाहे किसी भी पॉइंट से सेंटर को टच करें तो बड़े वाले की रेडियस होगी, ठीक है ना। तो हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी पता करना है, ठीक है, विच टचेज द इंसर पी, अच्छा इज इक्वल टू, तो अगर हमें बी सी का लेंथ पता करना है तो चाहे तो ए बी का पता करें चाहे बी सी का, बात वही है, ठीक। एक बात बताओ, अगर यहाँ से एक टेंजेंट हम डालें ये, सॉरी रेडियस, तो ये बताओ रेडियस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, शुभ बोलते रहो, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये 5 होगी, और अगर यहाँ से यहाँ तक हम डालेंगे तो ये कितनी होगी, 3 होगी, ठीक। चाहे इधर से बोलो चाहे उधर से, बस हम ये बताना चाह रहे थे। अब अगर हमें पता चल गया कि ये 5 और 3, और हमेशा जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री पे बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या कहेंगे, जो ओ सी स्क्वायर है वो इक्वल है ओ पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर के,
OC की वैल्यू है 5, OP की वैल्यू है 3, PC की वैल्यू नहीं पता है। तो 5 जा 25, 3 जा 9 प्लस PC स्क्वायर। तो यहाँ पर से जब ये आएगा तो 25 माइनस 9 इक्वल टू PC स्क्वायर। 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16 इज इक्वल टू PC स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू PC। और जैसे ही अंडर रूट 16 की वैल्यू खोलेंगे तो 4 बन के बाहर आता है सेंटीमीटर में। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर पता चल गई। आपको मालूम है कॉर्ड जो होता है, परपेंडिकुलर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह देंगे CB इज इक्वल टू 2 × 4, तो CB इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कैसे? अरे भाई ये परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड को ये परपेंडिकुलर दो बराबर भाग में बांटता है, आधा हमें मालूम चल गया, तो पूरा कितना होगा? दोगुना कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो CB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 10। कह रहा है कि एक ABC ट्राइंगल है जिसमें ABC ट्राइंगल में जो है एक 90 डिग्री एंगल है C पे, कहाँ पर है? C पे 90 डिग्री है ये, B 45 है, ठीक, ये B 45 है। तो A भी तो 45 होगा, कैसे? किसी ट्राइंगल में अगर मान लो हम कहें ये 90 है, ये 45 है, तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, है ना। तो 45 प्लस 45 90 और 90 प्लस 90 180, तभी तो होगा। सिंपल सी बात है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड एक एंगल 45 है तो अदर भी 45 हो जाएगा, दोनों एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और थर्ड तो 90 डिग्री होगा ही, राइट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसे स्टेटमेंट में हाइपोटेनस इसे कहते हैं ना, और इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड अपोजिट टू इट, मतलब बेस जो होगा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के, ठीक है, बेस बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के, ओके। अब सोचोगे क्यों बेस बराबर हो रहा है परपेंडिकुलर के? भाई दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों एंगल के सामने वाले साइड भी तो बराबर होंगे, आइसोसेलीस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। चलिए तो बेस इज परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एक काइट है, छोटा सा पतंग है ये, ठीक है, उड़ रहा है, और कहाँ पे उड़ रहा है? ग्राउंड से 30 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है। लेकिन काइट की रस्सी तो ऐसे होगी ना, काइट की रस्सी ये है ना। तो काइट जो उड़ रहा है ग्राउंड से 30 मीटर पे, और अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट इज टू 50-60 डिग्री। जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो रस्सी इससे लंबी है, वो है 60 मीटर, ठीक। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग, मतलब मान लो कि कोई लचक नहीं है, जैसे हम लोग रस्सी देखते हैं तो हमेशा काइट ऐसे उड़ता है, पतंग उड़ाए हो कभी तो ऐसे देखे होगे, लेकिन मान लो कि कोई लचक नहीं है, सीधे उड़ रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाए, यानी ये वाला एंगल चाहिए थीटा। अब हम देखेंगे इसमें दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस दिया है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा में, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 30, हाइपोटेनस हो गया 60, काटेंगे तो 3 बन जा 3, 3 टू या 6, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो ये होती है 30 डिग्री की साइन में, तो यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया, साइन 30 की होती है 1/2, थीटा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 45 साइन 45 साइन 45 प्लस कॉस 45 इज, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा √2 और ऊपर 1+1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी एलसीएम लेते हैं तो नीचे अगर सेम होता है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 2/√2,
टू अपॉन अंडर रूट टू है, नीचे अंडर रूट टू नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं टू अपॉन अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट टू से और डिवाइड भी करते हैं अंडर रूट टू से। इसके बाद कर लेंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा टू अंडर रूट टू और नीचे अंडर रूट टू हो जाएगा टू, अंडर रूट टू से टू कट गया बचा अंडर रूट टू, सॉरी टू से टू कट गया बचा अंडर रूट टू इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल मतलब ये है ठीक है, इसका एरिया दिया है, वो एरिया दिया है 5/18, द सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, अब समझिए द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 5/18 देन एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है देखो, पहले तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन जो बोला है वो समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5/18 एरिया ऑफ सर्कल, ठीक ये है। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/18, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बस यही तो होता है ठीक है। अब हम थीटा को ही निकालना है, एंगल ही तो निकालना है ये थीटा, तो थीटा को अकेले छोड़ के बाकी सब उधर साइड ले जाएंगे, तो इधर साइड क्या था 5/18 इंटू पाई आर स्क्वायर, अब जो चीज़ डिवाइड में था वो आ गया मल्टीप्लाई में, जो चीज़ मल्टीप्लाई में था वो आ गया डिवाइड में, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 18 1 जा 18 18 2 जा 36, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 5 × 20 और 5 2 जा 10 100 डिग्री, ये हो गया एंगल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ सर्कल रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द सेक्टर फॉर्म बाय अर्थ, वेरी गुड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री एंगल काट रहा है यहाँ पर ठीक, तो हमें सेक्टर का फॉर्मूला फिर से मालूम है, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 21 तो थीटा 60 360 पाई की जगह 22/7 21 × 21, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, 0 से 0 कट गया 6 6 जा 36 हो गया, यहाँ पर हो गया 1/6, 7 3 जा कट गया और एक मिनट अभी पहले और काट लेते हैं, 3 2 जा हो गया तो कुल मिला के हो गया और 2 11 जा हो गया, तो कुल मिला के हो गया 11 × 21, और कुछ बचा नहीं, बचा नहीं समझ में आया तो एक और बार काट के दिखाते हैं, देखो क्या लिखा था फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, थीटा की जगह रखा 60 अपॉन 360, पाई की जगह रखा 22/7 और 21 को दो बार लिख लिया ठीक है, 21 को दो बार लिख लिया, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 ठीक। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ठीक है, फिर 2 1 जा 2 2 11 जा 22 मतलब 2 1 जा 2 1 जा, बेसिकली ऊपर बचा 11 × 1 × 21 और नीचे बचा 1 × 1 × 1, वही 1 का तो कोई मतलब नहीं है, बचा हमारे पास 11 × 21 11 1 जा 11 कैरी बाय 1 11 2 जा 22 और 22 में 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास मार्क विद नंबर 1 2 3 एस ऑन करते करते 25 तक गया है, आर प्लेस इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रू 1 कार्ड इज ड्रॉन, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो कोर्स से हट चुका है तो इसको छोड़ते हैं ठीक है। और अच्छा मीन मीडियन मोड, देखो फॉर्मूला क्या है इससे क्या है, द सिमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, तो सिमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है याद कर लो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी के लिए, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन ठीक है, जब मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो जाते हैं तो उसे सिमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर
17 कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, इसमें से अगर हम मैक्सिमम कितना बड़ा कोन निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम कोन निकालने के लिए हम इतना बड़ा कोन निकाल सकते हैं, इस कोन की हाइट होगी आर और इस कोन की रेडियस भी होगी आर, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस दिया है हेमिस्फीयर का आर। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच की जगह पर क्या है, एच की जगह भी तो आर है, तो 1/3 पाई आर क्यूब, ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर। ओके, ऑप्शन नंबर विच 3 सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यू आई दिया है एक्स आई माइनस 25/10, ठीक, एफ आई यू आई दिया है 20, सिग्मा एफ यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है 100, तो मीन इज इक्वल टू, तो याद करो मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला इस टर्म में क्या था, याद आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। ये अब देखो ए क्या होता है, ये एज्यूमिंग मीन होता है, एज्यूमिंग मीन वही होता है जिसको बार बार माइनस किया जाता है, तो मीन इज इक्वल टू ए की जगह रख देंगे 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या दिया है 20 अपॉन सिग्मा एफ दिया है 100 इंटू, अब हाइट यहाँ पर जो नीचे होता है ना यही होता है एच, तो एच की वैल्यू क्या है 10, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बचा क्या 25 प्लस 2 जो हो गया 27, तो हमारा 27 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 3 फॉर्मूले होते हैं, आप लोग जानो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कॉमा बी फ्रॉम ओरिजन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस, कैसे याद करो, ओरिजन क्या होता है 0,0, तो 0,0 इसको मान के और इसको ए कॉमा बी मान के अगर निकालो तो यही आएगा, ठीक है, कैसे y2 - y1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो b² - a² का अंडर रूट आएगा, ठीक, ये तो चलो सही है। दूसरा है द डिस्टेंस फ्रॉम x, y फ्रॉम ओरिजन, तो x, y ओरिजन से भी ये भी फॉर्मूला सही है, x - 0 का होल स्क्वायर y - 0 का, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कह सकते हैं बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर।